स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज फिर हम एक पब्लिक रिएक्शन देखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हैं इस इंटरव्यू में, और जो एक मुसलमान भाई है वो योगी जी और मोदी जी की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं और शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे बढ़िया, खुश नजर नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश में रहते हैं भाई, बड़े शान से रहते हैं भैया। और गुंडे खत्म हो गए, इनकाउंटर हो रहे हैं इनके। तुर्की को मदद पहुंचा दी हमने भारतीयों ने, आज हमारा नाम होता है। दुबई के अंदर हमने मंदिर बनवा दिया, इससे बड़ी बेहतरी क्या बात होगी भैया जी। पूरे विश्व के अंदर आज हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, मोदी जी हो रहा है। कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा, भारतीयों को, वो भी 30% लोग, 70% मुसलमान समझ चुका है। आज मोदी जी के साथ रहेंगे हम, तो अच्छी बात है भैया जी। हमारे भी तो 57 मुल्क है मुसलमानों के, अगर एक हिंदू भाइयों को मिल जाता तो दिक्कत क्या है भैया जी। अरे मोदी जी चाहिए भैया जी, मोदी चाहिए यार। डर लगा करता था कि बम न फट जाए, कांग्रेस के राज में 8-10 बच्चे पैदा कर लिए, चलियो राशन लेने भर लो यार। अरे जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाता हूँ भैया जी, मुसलमान परिवार से क्या दिक्कत है भैया जी। जय श्री राम। भैया जी ये पप्पू है भैया जी, साइड में बैठे रहो, देश आगे बढ़ रहा है, उसे बढ़ने दीजिए आप लोग। हाँ, ये सारे ब्यागड़ बिल्ले इकट्ठे हो रहे हैं ना, तुमसे कुछ नहीं होने का। क्या नाम है आपका? जी आर सिद्दीकी। कहाँ रहने वाले सिद्दीकी? मैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी के प्रदेश। बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे बढ़िया, खुश नजर नहीं आएंगे, उत्तर प्रदेश में रहते हैं भाई, बड़े शांत से रहते हैं भैया। और क्यों ऐसा, क्यों इतना खुश क्यों है भाई जान? गुंडागर्दी खत्म हो गई योगी जी के राज में आके। अच्छा। गुंडे खत्म हो गए, इनकाउंटर हो रहे इनके। बोल रहे हैं ना कि वो मुसलमानों को देख के टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। अरे भैया जी, हम भी तो मुसलमान है भैया जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। दिक्कत तो है जो बदमाशी कर रहे हैं, उनकी नहीं चल रही। पहले लूटा मारी करते थे, छीना झपटी करते थे, प्लॉटों पे कब्जे करते थे, अब नहीं होता, बाबा जी का बुलडोजर खड़ा चल रहा है, सही काम हो रहा। अरे बढ़िया काम हो रहा, बेहतरीन काम हो रहा, हमें तो बड़ा फखर है कि हम भारतीय उत्तर प्रदेशी है भैया जी। देश में कैसा काम हो रहा है मोदी जी? बेहतरीन काम कर रहे हैं मोदी जी, बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, देश विदेशों में हमारा नाम हो रहा आज के भारतीय, हमारा सबका प्यार है, हिंदू भाई मुसलमान साथ रहते हैं भैया जी। हाँ, इससे राहुल गांधी बोल रहे देश के अंदर है ना, अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार क्या छेड़ रहे हैं राहुल गांधी। और अब हिंदुस्तान को पीछे कर दिया। हाँ, जब से हमारे मोदी जी आए 2014 से, आज हमें लगता है कि हम भारतीय हैं, बड़े आजादी से रह रहे, हमारे हिंदू भाई सारे एक हैं, हम मुसलमान सब एक है। आज विदेशों में सारा कॉन्टेक्ट सारे में हम जाने जा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तुर्की को मदद पहुंचा दी हमने भारतीयों ने, आज हमारा नाम होता है। दुबई के अंदर हमने मंदिर बनवा दिया, इससे बड़ी बेहतरी क्या बात होगी भैया जी। हाँ, सही कहा। हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के अंदर आज हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, मोदी जी हो रहा है। कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा, भारतीयों को, वो भी 30% लोग, 70% मुसलमान समझ चुका है। आज मोदी जी के साथ रहेंगे हम। लोग बोल रहे हैं मोदी हटाओ, देश बचाओ। अरे भैया ये तो पागल है, इनकी मानसिकता खराब है। अनाज भी ले रहे हो, सारा कुछ मिल रहा है, हर चीज का फायदा उठा रहे हो, फिर मोदी जी को गलत कह रहे हो, गलत तुम हो। मोदी जी बढ़िया है और हम जैसे सपोर्टर बढ़िया है। आज आजादी से रह रहे, देख लीजिए कहाँ खड़ा हूँ, कनॉट प्लेस के अंदर खड़ा हूँ, सारे हिंदू भाई मुझे देख रहे, मुसलमान भाई देख रहे, ये हमारा प्यार है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि देश में तो अब हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है? तो अच्छी बात है भैया जी, हमारे भी तो 57 मुल्क है मुसलमानों के, अगर एक हिंदू भाइयों को मिल जाता है तो दिक्कत क्या है भैया जी। अच्छा। नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र है, वहाँ भी तो मुसलमान रह रहे हैं, वहाँ भी तो मस्जिद है। तुम लोग जब नहीं बोलते, जब चाइना के अंदर मस्जिदें बंद हो जाती हैं, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता, जब आप विरोध नहीं करते, कहाँ जाते हैं आप? भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो। अरे भैया जी शर्म करो। अच्छा, मतलब आप कोई परहेज नहीं है हिंदू राज्य? कोई परहेज नहीं है, क्या दिक्कत है? हिंदू भाई क्या भगा देंगे हमारे को?
हिंदू भाई क्या भगा देंगे भैया जी, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो क्या दिक्कत है भैया जी। ओवैसी को ना और सपा के नेता को दिक्कत, ओवैसी जावे अपने हैदराबाद में, तू सारे लड़ाई झगड़ा पर विरोध की बातें करता है भैया जी। अच्छा भैया आपको 24 में कौन चाहिए? अरे मोदी जी चाहिए भैया जी, मोदी चाहिए यार, राहुल गांधी नहीं। अरे क्या, अरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करना है क्या? अच्छा हाँ, बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारी इतनी नफरतें थी कि हिंदू मुस्लिम लड़ते थे, आज हम प्यार में खड़े हैं भैया जी। डर लगा करता था कि बम ना फट जाए कांग्रेस के राज में। आज बता दो हमारे को, तुम कोई विवाद बता दो उत्तर प्रदेश के अंदर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता केजरीवाल अगर। अरे भैया जी अरविंद केजरीवाल क्या छेड़ रहे हो भैया जी, क्या छेड़ रहे हैं, इनने तो बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। अच्छा। फिरी फिरी फिरी, अरे भैया क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार, नहीं चाहिए आप लोग। अरे नहीं चाहिए भैया जी, हम खुददार हैं भारतीय, अपनी मेहनत से कमाएंगे, मेहनत से खर्च करेंगे, हमें नहीं चाहिए फ्री का। जय अरविंद केजरीवाल। नीतीश कुमार? अरे नीतीश कुमार, अरे बिल्कुल बेकार है भैया, पलटू कुमार है, पलटू कुमार है भैया जी। ये बताओ, ऐसा बताया जा रहा है योगी से ना और हेमंत बिस्व शर्मा से मुसलमान परेशान चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनका मतलब कि जो मदरसा है ना, मदरसा बंद कराया जा रहा है। भैया जी इनकी दुकानें नहीं चल रही योगी जी के आने से। अच्छा। अब इन्हें तो बुरा लगेगा, हमें तो नहीं लग रहा, हम तो मुसलमान बेफिक्र होके बोल रहे हैं मदरसा। अरे भैया जी देखिए, मदरसा मदरसा आप पूछ रहे हैं, जो सरकार की नॉलेज में अवैध नहीं है वो बंद, जो अवैध है वो बंद है। हाँ वो बंद होना चाहिए बिल्कुल। जो गवर्नमेंट की नॉलेज में है अच्छे हैं, बढ़िया है। अच्छा। हाँ अब आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी मीडिया भी पीछे लग गई थी मौलाना शाह साहब के पीछे जी। वो बढ़िया मौलाना, बेहतरीन मौलाना है। अच्छा। वो सिर्फ अल्लाह की बात करते, दुनिया की बात नहीं करते, किसी के विरोध नहीं करते, मोदी अच्छा। जी की बुराई नहीं करते जी। हाँ वो हक पर है, बेहतरीन है। अच्छा। हाँ ये बताओ, एक और मुद्दा उठता है कि अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है, इसमें कहा जाता है कि कुछ मुसलमान समुदाय के लोग है उसका विरोध करते हैं। ये बेवकूफ है ये लोग, ये बेवकूफ है, इनकी समझ में ना आती। 8-10 बच्चे पैदा कर लिए, चलिए राशन लेने, ये तो बेवकूफ है भैया जी। आपको कोई तकलीफ नहीं? अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया जी, हमें अच्छा, बड़ी शांत रहते हैं भैया जी। अच्छा, अरे जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाता हूँ भैया जी, मुसलमान परिवार से क्या दिक्कत है भैया जी। जय हिंदू राष्ट्र, इतना बोल रहे मोदी मोदी कर रहे हैं ना आप, यहाँ पे जो कांग्रेस समर्थन हो गए ना अंधभक्त बोलने का, पागल है भैया जी, वो पागल है भैया। भाई साहब ना, भाई साहब गले मिलने का मन कर रहा है मेरा, गले मिलने का। अगर ऐसे हो जाए ना, मान देते ये कहेंगे असली भाईचारा, अगर ऐसा है तो ये होता भाई 57 कंट्री है भाई इस्लामी, अगर कंधे से कंधा मिला करके हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे और हिंदू राष्ट्र है तब आएगा मजा, तब लगेगा भाईचारा, तब मानेंगे गंगा जमुना की तेजी। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र से कहते ना कतराते हैं वो हम गंगा जमुना की तेजी और भाईचारा नहीं मानते। ऐसे भाई साहब अगर देश में हो जाए ना, और तो ये देश ना, झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि रामनवमी के दिन है ना वहाँ पे जो डीजे चलता है, जो जुलूस निकलता है उसको बैन कर दिया गया डीजे। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ अब माँ की जो सरकारें हैं वो सरकारें समझनी पड़ेगी, वो किसके एजेंडे पे काम कर रही है, किसके रूपरेखा पे काम कर रही है, ठीक है जी। लेकिन देश हमारे भाई साहब ने कह दिया ना हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो बस हमारा इसी से भाई दिल खुश हो गया, गद गद हो गया, और एक बार गले मिलूंगा और भाई जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम। तो आप क्या बोलना चाहोगे झारखंड में अगर जो राम भक्तों का जो सैलाब निकलता है वहां पर, जो वहां पे डीजे चलता है उसको बैन कर दिया गया है कि रामनवमी के दिन राम भक्त वहां पे डीजे नहीं बजा सकते? या भैया जी क्या दिक्कत है अगर वो बजा रहे हैं बेचारे? हाँ। क्या दिक्कत है बताओ? हाँ। है जी? तो उनको है जो पत्थरबाजी कर रहे थे। अरे भैया जी ये बेवकूफ लोग हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी सबका धर्म है, सबकी इज्जत करो, हमारा हिंदू भाई बड़ी इज्जत करता है। अभी देखिए भैया जी मुसलमानों का बाघ पवित्र महीना आ रहा है रमजानों का, सारे हिंदू भाई खुश है और हमारी है? देखो सुनो भाई साहब की लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज एक ही सेम है, चाहे तो ये अलीगढ़ का हो या एटा का, मैं बताइयों का हूं। सुनिए 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 सुनिए, हिंदुस्तानी के तरह बात कर रहे हैं, असली भारतीय के तरह बात कर रहे हैं, दिल ना चोड़ा। इनकी इनकी ईद पे जो जैसे गमी होती है ना, तो गमी की जैसे अपने लोग होली की गमी, गमी की होली होती है, तैसे जो लोग हमारे यहाँ आते हैं होली मिलने, हम ईद पे मिलने जाते हैं, मगर गांव में हमारे यहाँ अब यूपी में नहीं रहे भैया के, भैया ने जो कहा वो मैं बताऊं भैया जी।
मैं ब्राह्मणों के गांव का हूँ भैया जी, मैं सोरों का हूँ भैया जी, बिल्कुल भैया जी सोरों के। हम अन्न को भी हाथ नहीं लगाते जब तक स्नान ना कर ले। हाँ जी ऐसे गाँव का हूँ। राहुल गांधी को क्या बोलना चाहोगे आप? भैया जी ये पप्पू है भैया जी, साइड में बैठे रहो, देश आगे बढ़ रहा है, उसे बढ़ने दीजिए आप लोग। हाँ ये सारे ब्यागड़ बिल्ले इकट्ठे हो रहे हैं ना, तुमसे कुछ नहीं होने का, क्योंकि तुमने कुछ नहीं करा भारत में। आज हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अच्छा, आपको बेहतरीन ही चाहिए। हाँ बेहतरीन ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो एक चीज बोलना चाहूंगा भाई के लिए, कि भाई ने बोला कि आज हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है और बहुत अच्छा होगा। इसी चीज पे बोलूंगा, आज आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे भक्ति में रंग जाते हैं, और कठोर तपस्या क्या होती है साधु सा तुम बनकर देखो, और शांति कितनी मिलती है ओम नाम तुम जप कर देखो, और धरा 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 जिस पर घूम रही है उसी के तो हम केंद्र बिंदु है, और कौ गर्भ से हम हिंदू है, हम हिंदू है। और मैं जैतून भी रखा था भाई साहब ने, एक थोड़ी सी मस्त बंदा था भाई। और देखें भाई एक जब जरूरतें पूरी हो रही है वो मस्त नहीं होगा तो क्या होगा? जिसे कोई टेंशन परेशानी नहीं है, अच्छे से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे भी माइंड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी, और भाई साहब तो बहुत ही खुश लग रहे थे, और जिस तरीके से बात कर रहे थे तो बहुत ही देखने में मजा आया, और जो बातें भी कर रहे थे ऐसी हवा में नहीं बातें कर रहे थे, काफ़ी सुलझी हुई और अच्छी बातें कर रहे थे, और जो नफरत फैलाने की बात करते हैं उसको भी लटाड़ा है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स है जो काम नहीं करते और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको भी इन्होंने लपेट में लिया है, तो उनको सुन के बहुत ही मज़ा आया, और ये खुश है क्योंकि उनको जो फैसिलिटीज चाहिए वो मिल रही है, तभी तो खुश है। अगर उनको गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की योगी जी की गवर्नमेंट और हमारे बीजेपी की गवर्नमेंट जो है इंडिया की गवर्नमेंट, वो भी अगर उनको फैसिलिटीज और जो उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर रही होती तो ये ऐसी बातें नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर सच में ही उनको तकलीफ होती है तो फिर आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हो ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। तो देख कर ये बहुत ही मजा आया, आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।